टीकुई में प्रधानपति की दबंगई का मामला सामने आया। दरअसल सरकारी कर्मचारी के साथ प्रधानपति भाजपा नेता की दुकान की नापतोल करने पहुंचे, जहां दुकानदार द्वारा आपत्ति जताई गई। दुकानदार ने इस दौरान कहा कि बिना नोटिस के पंचायत समिति के कर्मचारी समेत प्रधानपति दुकान पर नापतोल करने पहुंचे, जिसके बाद आपसी कहासुनी के चलते मामला काफी गहमा गहमी तक जा पहुंचा और सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए। भाजपा नेता का कहना है कि इनके द्वारा 47 वर्षों से दुकान का किराया जमा कराया जा रहा है, फिर भी प्रधानपति अपनी दबंगई दिखाने की कोशिश कर रहा था। भाजपा नेता प्रमोद व्यास ने कहा कि मेरी जानमाल की सुरक्षा के लिए दौसा कलेक्टर और SP को पत्र लिखा है। आपको बता दें, प्रधानपति पहले भी कर्मचारियों के साथ बदसलूकी करने के आरोप में सुर्खियों में रह चुके हैं। और अब जो नए प्रधान बने हैं, उनके पति महादेव कोटला, वो एक किसी कर्मचारी को साथ लेकर और सीता लेकर यहाँ आए और दादागिरी से वो ये कह रहे हैं कि मैंने दो दुकान तो दे दी इसको, ये नगर पालिका को रसोई के लिए, और एक दो लड़के और आए थे, कोई NGO चलाते हैं, हम उनसे कहा कि आप दुकान देखे आओ, और वो आए हमारे पास, हमने कह के दिया अभी, और फिर वो यहाँ आके हमसे मतलब दादागिरी करने हाथापाई तक तैयार हो गए। तो मेरा प्रशासन से और ये निवेदन है कि प्रधान या प्रधान नहीं आई, वीडियो नहीं आया, कोई ऐसा नहीं आया, कोई मुझे